This is a good question. Good one. A conducting sphere of radius r. हमारे पास एक कंडक्टिंग स्पीयर है ऑफ रेडियस r और उस पर एक चार्ज है q. इज ज्वाइंट टू अ कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस 2r. ये जो स्पीयर था जिसका रेडियस r था उसको हमने दूसरे स्पीयर से ज्वाइन कर दिया. उसका रेडियस कितना है 2r एंड अ चार्ज माइनस 2q. द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम विल बी व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम. तो जब आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हो तो एक कंडक्टर से दूसरे या दूसरे से पहले कंडक्टर पर चार्ज फ्लो होता है तो कितना चार्ज फ्लो है ऐसा आपको पूछा है. तो ऐसा है यू शुड नो यू मस्ट नो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक चार्ज से तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाए. बिकॉज यू ऑलरेडी नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जैसे ही दो कंडक्टर्स का या दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया करंट विल स्टॉप फ्लोइंग मतलब चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग. इसका मतलब पहले कंडक्टर का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल होना चाहिए सेम. एक क्वेश्चन नंबर वन. अभी गलती कहाँ कर रहे हो आप. आपको पोटेंशियल फॉर्मूला पता है 1/4πε0 q/r = 1/4πε0 2q/(-2q/2r). यू डायरेक्टली इक्वेटिंग दिस. यहाँ हो रही गलती तो ये गलती मत करो. इस गलती को करेक्ट कर लो. एक काम करो जो भी चार्ज पहले कंडक्टर पे था उसको फिलहाल बोल दो q. इसको बोल दो q' टेम्पररी. यू कैन डू दैट टेम्पररी. ओके सिर्फ मैंने नाम चेंज किया. कैंसल 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 कैंसल. व्हाट इज q इक्वल टू q'/2. इक्वेशन नंबर 2 टेम्पररी की है मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. वॉट इज टोटल चार्ज बाय द वे. टोटल चार्ज q+q' ये पता होना चाहिए. टोटल चार्ज इज q+q'. ओके तो अब यू हैव टोटल चार्ज इक्वल टू q+q'. तो टोटल चार्ज को टोटल बोल देते हैं. नेट बोलने से तो उसको टोटल बोल देता हूँ मैं. टोटल तो वॉट इज q टोटल q+q'. q+q' लेकिन q क्या है q'/2 प्लस कितना है q'. तो कितना आ गया ये 3q'/2. ये आ गया आपका टोटल चार्ज. इक्वेशन नंबर 3. लेकिन टोटल चार्ज था कितना. बट व्हाट इज टोटल चार्ज. टोटल चार्ज पहले पे कितना चार्ज था q. दूसरे पे कितना था -2. दिस इज टोटल चार्ज. इक्वेशन 4. फ्रॉम 3 एंड 4 you have q-2q = 3q'/2. ये कितना आ गया माइनस q. और ये कितना आ गया 3q'/2. तो q' कितना आ गया -2q/3 आ गया. हो गया. व्हाट विल बी q. व्हाट विल बी q. क्या आएगा q'/2 कितना q'/2 q is q'/2. q' कितना है -2q/3. तो q कितना आ गया अरे बताओ कितना आ गया. हाँ लेकिन तुमको चीज समझ में आई. तुम गलती कहाँ कर रहे हो. तुम जब यहाँ पे स्मॉल q लिख रहे थे यहाँ पे -2q लिख रहे थे वो तो फाइनल सिचुएशन हो गई ना. ध्यान दो यहाँ पे when I say potentials are same चार्ज तब तक फ्लो होगा. कब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल. तो तुमने क्या किया क्या लिखा v1 = v2. लेकिन तुमने v1 = v2 लिखते वक्त यहाँ पे क्या लिख दिया था स्मॉल q. और यहाँ पे क्या लिखा था. हाँ लेकिन पोटेंशियल सेम तो बाद में हुआ तो फाइनल सिचुएशन है ना. ये इनिशियल सेम था क्या पोटेंशियल. इनिशियल पोटेंशियल सेम था क्या. नहीं. तो इनिशियल जब पोटेंशियल सेम नहीं था तो पहले कंडक्टर पे कितना चार्ज था q. और दूसरे पे कितना था -2q. इनिशियल पहले पे कितना था दूसरे पे कितना था. तो फाइनल सिचुएशन में पहले पे कितना है कैपिटल Q और दूसरे पे कितना है q'. तो तुमने जब लिखा ना स्मॉल q बाय r तुमने वहीं पे गलती कर दी. नहीं समझ में आया मैं वही बताता हूँ. क्वेश्चन पढ़ो. अ कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग अ चार्ज q
राइट। तो पहला जो कंडक्टर है उस पे इनिशियल चार्ज कितना है, कितना है मेरे को सुनाई कम देता है, थोड़ा जोर से बोलो कितना है, क्यू है। और दूसरे पे कितना इनिशियल, वेरी गुड, सही है। तो ये स्मॉल क्यू और माइनस टू क्यू कौन है, इनिशियल है। द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम विल बी, चार्ज कब तक फ्लो होगा, तो चार्ज विल फ्लो अंटिल, विल फ्लो कब तक फ्लो होगा, अंटिल पोटेंशियल्स आर सेम। तो पहले पोटेंशियल सेम थे क्या, नहीं थे ना पहले पोटेंशियल सेम, पहले का पोटेंशियल क्या था, 1/4 pi epsilon 0 स्मॉल क्यू बाई आर, दूसरे का क्या था 1/4 pi epsilon 0 माइनस 2 q/r, ये तो इनिशियल पोटेंशियल था ना। तो फाइनल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल लिख रहे हो तो फाइनल चार्ज सेम है क्या दोनों पे, यस और नो, नहीं है ना। तो तुमने स्मॉल क्यू क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस टू क्यू क्यों लिखा था, तो यहाँ गलती हो गई। अभी समझ में आया गलती कहाँ हो रही है, ये पोटेंशियल सेम लिखने के बाद जो चार्जेस है वो फाइनल चार्जेस है, कौन से है वो फाइनल। इनिशियल कितना था स्मॉल क्यू और यहाँ पे कितना था माइनस टू क्यू। अभी क्लियर हुआ, वॉट इज द फाइनल चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर कैपिटल क्यू, वॉट इज दैट वॉट इज द फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर, वेरी गुड। वॉट वॉज द इनिशियल चार्ज ऑन द सेकेंड कंडक्टर, ओके। तो दोनों में डिफरेंस निकाल लो, तो उतना चार्ज फ्लो हो गया कहां से, कंडक्टर टू से कंडक्टर वन तक। तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम सेकेंड कंडक्टर इज, कैसे निकालोगे, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, राइट। यहां भी गलती कर रहे हो, फाइनल चार्ज क्यू डैश माइनस इनिशियल, और इनिशियल खुद क्या था माइनस टू क्यू था, तो ये आ गया आपका माइनस टू क्यू बाय थ्री प्लस टू क्यू। तो टू क्यू कॉमन निकाल लो, क्या हो गया वन माइनस वन बाय थ्री, वट इज वन माइनस वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, वट इज टू बाय थ्री इंटू टू क्यू, फोर क्यू बाय थ्री। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, फोर क्यू बाय थ्री, ऑप्शन नंबर डी। इज दिस क्लियर।